broad question. Inspires you in life, inspires you in a role, inspires you in what? Anything can inspire one. Someone that might have inspired you. So that's a different thing that you have to know. Excellence inspires me. People inspire me. Many people have inspired me. My father, Kathy Asby, who's a writer, is somebody who's inspired me. Shyam Benegal, the director, has inspired me a lot. Of the women with whom I work in the slums inspire me. So it's a very broad question. Yes, ma'am, I can get that. But surely you are an inspiration to me. Thank you. Just one more question, like, how do you feel about an award that is made for the writers and by the writers? Well, I'm extremely happy because as an actor, I realize that it is the writer to who I owe my performance. I mean, definitely in film, the director is the captain of the ship. They say the actor is the captain of the ship and the television is right. But for me, coming from a writer's family, for me the most important thing is the script. And I think this is a very important award because it is given by your peer group. And to me, there is no better tribute that can be paid to you except that your peer group admire. जो
last question. Baki members ke liye one feeling that you would like to put out? I myself am a member. I feel very thrilled about it. Very, very. And my best. Thank you so much. Thank you.
पसंद है, कविता वाले ये हैं, आप इनसे पूछिए कि मैं बड़ी प्रोज वाली हूँ जी। आपसे थोड़ी पंक्तियाँ सुनाने लगे सब मैं ये कहूँगा कि ये बहुत अच्छा है क्योंकि लेखक जो होता है वो किसी भी फिल्म की आत्मा होता है, तो शरीर कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो अगर उसमें आत्मा नहीं है तो उसे मृत माना जाता है, और मृत शरीर का या तो उसको दफन कर दिया जाता है या उसको दहन कर दिया जाता है। तो आप आत्मा को सेलिब्रेट कर रहे हैं और राइटर्स एसोसिएशन की बात है, तो मुझे लगता है कि अब ये कहीं ना कहीं आपने जो प्राण होते हैं लेखन उसकी दिशा में उसको पुरस्कृत और पुरस्कृत करने की दिशा में प्रयास किया, तो ये बहुत अच्छा आनंद का विषय है। और साथ में ये आनंद का विषय है कि रूपा जी अभिनेत्री के तौर पे हम इनसे मिले थे, लेकिन ये राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और अपनी पहली फिल्म में इनको 5 नॉमिनेशन मिले थे, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। निराकार को साकार कर दे वही कलाकार है, तो हमारे जितने भी भाव होते हैं वो सब निराकार होते हैं। अगर आप प्रेम की बात कर रहे हैं तो प्रेम आप अगर कोई कहे कि कैसा होता है तो आप उससे ये कहेंगे कि मैं आपको एक्सपीरियंस करा सकता हूँ लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकता। आप किसी से नफरत की बात करें तो आप कहेंगे कि एक्सपीरियंस करा सकते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो जो जितने भी भाव होते हैं वो निराकार होते हैं, उनको साकार करने का जो हुनर होता है वो लेखकों के अंदर होता है और वही कलाकार होते हैं। मैं लेखकों से सिर्फ यही कहूँगा कि भाव भाषा इनके बीच में अगर आपका अमृत योग हो जाए, इनके बीच में अगर आपकी अच्छी जुगलबंदी हो जाए तो फिर आप ये मान के चलिए, क्योंकि अभिनेता तो विस्मृत किए जा सकते हैं लेकिन जो लेखक होते हैं वो सदैव स्मृति में बने रहते हैं। घटना है क्योंकि हमारी अपनी बिरादरी, हमारे अपने राइटर्स, हमारे अपने कलम नवाज को जब नवाजते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि राइटर्स जब एक दूसरे राइटर्स को पसंद करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उनको अवार्ड देते हैं, वो मुझे लगता है सबसे बड़ा अवार्ड होता है। क्योंकि जानकार लोग जो लेखनी को जानते हैं, जो स्क्रिप्टिंग को जानते हैं, जो स्क्रिप्टिंग के क्राफ्ट को जानते हैं, वो ये अवार्ड दे रहे हैं तो उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। सो इट हैज़ सर्टन काइंड ऑफ वैलिडिटी। सो क्राफ्ट को जानने वाला आदमी दूसरे क्राफ्ट को जानने वाला इंसान को जब नवाजता है तो बहुत बहुत बड़ी घटना है। तो आई सिंसियरली विश ऑल द नॉमिनीज एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड ग्रेट वर्क SWA इज डूइंग ग्रेट वर्क, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरह उनको ईश्वर शक्ति देते रहे SWA को। थैंक यू वेरी मच। मेरे फेवरेट राइटर मेरे अलावा मुझे विजय आनंद बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे कितने राइटर्स हैं, मतलब मुझे भी सुल्तानपुरी बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे साहिर साहब अच्छे लगते हैं, मुझे आनंद बख्शी बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे मुझे अबरार अलवी, विजय आनंद, ये सब राइटर्स ने मुझे बड़ा इम्प्रेस किया। कभी कभी गुलजार साहब भी इम्प्रेस कर देते हैं, करते रहते हैं अभी भी। ब्रजेंद्र गौर ने मुझे इम्प्रेस किया, और साहित्य में प्रेमचंद वगैरह तो है ही, शरद जोशी ने बड़ा बहुत इम्प्रेस किया। शरद जोशी ने फिल्में लिखी उसने भी काफ़ी इम्प्रेस किया। और नए राइटरों में मतलब 70s के बाद में जो नई सिनेमा जो बनी उसमें विजय तेंदुलकर ने काफ़ी इम्प्रेस किया, तो ये सारे राइटर्स मुझे अच्छे लगते हैं। मेरा फेवरेट डायलॉग मेरा वाला या किसी का भी, मेरा वाला तो सबसे फेवरेट डायलॉग मुझे मेरा वही है जो यस बॉस फिल्म में था कि दो कमज़ोर इंसान एक कामयाब जिंदगी कभी नहीं बना सकते। थैंक यू। नॉमिनेट हुई थी स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग के लिए, और कहानी और पटकथा के लिए अवार्ड मिला डेब्यू का, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप किसी भी उम्र में डेब्यू कर सकते हैं। ये
एक्चुअली सभी के लिए एक मेरे ख्याल से प्रेरणा है कि इट्स नेवर टू लेट, कुछ भी अगर नया शुरू भी करना है तो उसकी कोई उम्र नहीं होती. सो आई एम जस्ट सो हैप्पी. और ये पटकथा का काफ़ी स्पेशल है क्योंकि इस त्रिभंग की पटकथा पे मैंने बहुत बहुत साल काम किया, कुछ 6 साल काम किया. उसके बाद वो वैसी हुई जैसे आपने फिल्म में देखी. सो आई एम जस्ट सो 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 हैप्पी. मुझे ऑफकोर्स SWA की जूरी को बहुत धन्यवाद देना है क्योंकि उन्होंने मेरा चयन किया एज अ विनर ऑफ बेस्ट स्टोरी एंड बेस्ट स्क्रीन प्ले. और बेसिकली SWA अवार्ड्स का भी तहे दिल से शुक्रिया क्योंकि इतना काम रहता है ये अवार्ड्स, इस पर्टिकुलर अवार्ड के पीछे सारे कैटेगरीज, टेलीविजन के खास तौर से म्यूज़िक, ये सारी कैटेगरीज बहुत मुश्किल होता है. लेकिन वो हर साल ये प्रयास करते हैं कि राइटर्स को उनके जो भी मेहनत है उसका फल मिले. सो उनका सच में बहुत बहुत शुक्रिया. और सिद्धार्थ मल्होत्रा जो मेरे प्रोड्यूसर हैं त्रिभंग के, मुझे लगता है कि उनके बिना त्रिभंग किसी को देखने को नहीं मिलती. तो ख़ास तौर से मैं उनका जिक्र करना चाहती हूँ, टू थैंक यू रियली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर दिस. थैंक यू सो मच मैम, कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच. तो ये अवार्ड बेसिकली बेस्ट लिरिसिस्ट ऑफ द मूवी के लिए मुझे मिला हुआ है. मेरा फौजी कॉलिंग ये शकील साहब, शकील आजमी जी को मिला है, राइट. एंड मैं उस फिल्म का डायरेक्टर हूँ, राइटर डायरेक्टर. और ये उनके पुत्र हैं, राइट, शकील भाई के. तो ये जो अवार्ड लेने आए हैं, तो मैं चाहूँगा पहले ये कुछ बोलें और फिर मैं बोलूँगा. मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ ये इस अवार्ड से जुड़े हुए हैं इनका, SAW का और बाकी तमाम मेम्बर का और हमारे डायरेक्टर साहब आर्यन सर. थैंक यू, थैंक यू. बहुत कम शब्दों में बातें ख़त्म कर दूँ. बेसिकली शकील भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. और मैं इस जो सॉन्ग जो जिसके लिए हमको मिला है उसका टाइटल मतलब सिग्नेचर लाइन है, सपनों का जहाँ है पापा मेरा आसमान है पापा. तो जब मेरा फौजी कॉलिंग मैं लिख रहा था तो मुझे एक ऐसे राइटर की ज़रूरत थी जो मेरे अंदर के थॉट को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके थ्रू सॉन्ग के लिए. तो शकील भाई को मैंने मेरे पास बुलाया था. और सबसे बात ये थी कि शकील भाई ने ये गाना सिर्फ 2 घंटे में लिखा था. क्या बात. मैं ऑफिस में ही था और मैं बाकी के हमारे प्रेप चल रहा था, प्री प्रोडक्शन चल रहा था. तो मैंने शकील भाई को बोला कि बाबा, तो शकील भाई ने मुझे एक साइन लाइन दी, मैंने कहा अच्छी है. और फिर उन्होंने अंतरे बनाने शुरू किए. उन्होंने इस गाने लिखने के दौरान उन्होंने 3 चाय पी और 3 चाय लिखने के बाद एक इतना मीठा गाना बना दिया, इतना मीठा गाना. मुझे लगता है ये ताउम्र बचता रहेगा क्योंकि ये एक ऐसा सॉन्ग है जो अभी एक बेटी की तरफ से एक बाप को डेडिकेटेड किया गया, डेडिकेट हुआ है. अभी तक फिल्म आपने जितने गाने सुने वो सब माँ को डेडिकेटेड है, राइट. माँ, इसमें कोई शक नहीं, माँ तो माँ है, उसकी तुलना क्या की जाए. बट फादर की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, एक पिता की अहमियत क्या है, तो इस गाने के ज़रिए आपको पिता की अहमियत का पता चलेगा. और शकील भाई ने बहुत ही खूबसूरती से इस गाने में पिता की अहमियत को, उसकी प्यार को, उसके बलिदान को बहुत अच्छे से उतारा है. उस अंतरी कुछ लाइनें मैं आपको बताना चाहूँगा. उसमें एक अंतरी की लाइन है, मैं रोऊँ तो मुझे हंसा के खुशियों से भर देते हैं, मेरे आंसू हाथ में लेके पापा जुगनू कर देते हैं, रहते हैं नींदों में छुपके पापा मुझ में सोते हैं, मैं भी नहीं होती हूँ फिर भी पापा मुझ में होते हैं, पापा जैसा कोई नहीं है, नहीं है वैसा कोई नहीं है, खुशियों का जहान है पापा, मेरा आसमान है पापा, मेरा आसमान है पापा. तो शकील भाई थैंक यू सो मच. एंड ये सॉन्ग, ये अवार्ड एक्चुअली मैं मेरे पापा को डेडिकेट करता हूँ जो अभी इस दुनिया में नहीं है. वो लास्ट ईयर वो एक्सपायर हो गए. तो पापा ये अवार्ड आपके लिए है. एंड थैंक यू शकील भाई, आपने इतना प्यारा गाना लिखा. मालूम नहीं था पापा इतनी जल्दी चले जाएंगे बिकॉज ही वॉज वेल, बट
जो ईश्वर की मर्जी, एंड आई एम सो हैप्पी, थैंक यू इसके राइटर एसोसिएशन जिन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, एंड हमारे गाने को उन्होंने सेलेक्ट किया. थैंक यू सो मच अंजुम रजावली जी एंड रेस ऑफ द गेस्ट जो है जावेद साहब जिन्होंने अपने हाथों से ये अवार्ड हमको दिया है. तो नो डाउट ये पल मेरी जिंदगी के लिए यादगार पल है क्योंकि ये मेरी डेब्यू फिल्म थी और डेब्यू फिल्म में जावेद साहब के जरिए मुझे अवार्ड मिला. इसके लिए थैंक यू सो मच शकील भाई. एक्चुअली हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मतलब एटलीस्ट एक तो कर रहे थे लेकिन दो तो बिल्कुल नहीं करते हम लोग. हाँ, स्पेशली डायलॉग राइटर्स हम दोनों हैं नहीं, तो हम लोगों को वो था कि कहानी जैसे मूव करती है जितने मिनिमम डायलॉग सही होते हैं हमने उतना लिखा. कुछ ऐसा नहीं था कि ये डायलॉग लिख देंगे कल को टी शर्ट पर छप जाएगा, वो वैसा कुछ मोटिव नहीं था. तो उसके लिए तो मतलब एस टी पीओ को हम थैंक यू करना चाहेंगे कि हमें आज पता चला कि हम लोग डायलॉग राइटर्स भी हैं. तो थैंक्स अ लॉट. सर आप एस डब्ल्यू ए कमेटी को कुछ बोलना चाहेंगे? एस डब्ल्यू ए कमेटी को यार मतलब वो ऐसे अवार्ड फंक्शन करते रहना चाहिए, वो जो वर्कशॉप्स करते हैं वो करते रहना चाहिए क्योंकि जेन्युइनली एक राइटर काफ़ी इनसिक्योर होता है, उसकी रीच काफ़ी कम होती है, मतलब लेटर में सबसे नीचे आता है, सबसे पहले काम करता है, तो वो एक होप चाहिए होता है एक राइटर को जो एस डब्ल्यू की वजह से मिलता है. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट एस डब्ल्यू कीप डूइंग सो मच वर्क एंड ऑब्वियसली अवार्ड मिला है यहाँ पे, तो अभी बहुत ज़्यादा खुश है, अंदर से ब्रेथ भी बड़ी हुई है थोड़ी सी. समझ से भी नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, समझ भी नहीं आ रहा, बट डेफिनेटली दो अवार्ड नहीं सोचे थे, एक की थोड़ी सी होप थी कि शायद कुछ किया है तो एक मिलेगा, बट दो सीरियसली यस सो है. कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन सर. थैंक यू सो मच. फिल्म का जो असली जो रीढ़ की हड्डी है वो राइटर होता है और स्क्रीन राइटर राइटर्स एसोसिएशन अब इतनी एक्टिव हो गई है, स्ट्रांग हो गई है और आई थिंक आफ्टर पैंडमिक हम पहली बार ये इन पर्सन कर रहे हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड. और अंजुम एंड रोबिंदा इन सबकी मेहनत और पूरी एसोसिएशन की मेहनत, आई एम वेरी एक्साइटेड. What are some of your favorite writers that you would love to see recognized? बहुत राइटर हैं, मतलब एक के बारे में तो मैं नहीं बोल सकता, पर मेरे बहुत फेवरेट राइटर्स हैं एंड लेट्स सी कि किस किस को क्या मिलने वाला है, क्या क्या अवार्ड मिलने वाले हैं. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. What advice would you give to a upcoming budding screen writer, like a student who just coming out of college? Start writing. Because you have to keep writing. Writing is more about rewriting. और जो writing में सबसे बड़ा जो trap मेरे लिए होता है और जो आई थिंक मोस्ट ऑफ सब स्क्रीन राइटर्स के लिए होता है वो ये होता है कि आप जब दूसरे का काम पढ़ते हैं तो आपकी ऑब्जेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, आप उसमें वो कमियाँ ढूंढ लेते हैं, पर जब आप खुद लिखते हैं तो आप वही कमियाँ दोहराते हैं. तो ये जो एक ऑब्जेक्टिविटी अचीव करना और अपने काम को एक क्रिटिक की नज़र से देखना और या दोस्तों को देना जो कि उसको क्रिटिसाइज़ करें और उसको आप कितना ओपन है, यू हैव टू बी वेरी वेरी ओपन, यू हैव टू बी, देन ओनली यू कैन इवॉल्व इन राइटिंग एंड इट्स द मोस्ट ड्यूबियस मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग. राइटिंग मेक्स और ब्रेक्स. You can never make a bad film out of good script, but you can definitely make a bad film, good film. You cannot make a good film out of a bad script. Thank you so much. Thank you. We're exhilarated, but also in shock. We were up against some pretty good work, and we were not expecting this at all. Anyone who would like to thank in particular this award given? Like I said, our producers Smriti and Bobby, Anuja, whose work I now believe that it has been acknowledged that we have remained faithful to the spirit of her book, and that's a really big compliment because it's in an adaptation. That's one more thing to worry about, not betraying the material that you start out with. So thank you to her, thank you Habib, and thank you to our friends and family. It's been a very difficult time writing this show, and they have been amazing. Thank you.
more than that, I also want to thank the audience for receiving it the way that they did. And honestly, I'm really glad that this we got the award, not just for us, but that, you know, yes, like light-hearted material that is getting made and on the in the OTT space. It's really nice, and it's really nice to be accepted and not just dramatic works, but like light-hearted material. Anything you'd like to say to the SWA committee, the organizers? I would honestly thank the SWA for this entire venture. It is, as writers, you're mostly sitting alone in your room and doing the work, and it feels really good to be reminded that even though you're sitting alone, you've not been forgotten. So that's like a really, really good thing that it's really good. Make space for new writers to tell their stories, and it seems like there has never been a better time to be a screenwriter, and I feel it right now in my bones, and I'm so grateful to be here, and thank you. Congratulations. Thanks very much. This is amazing. First things first, I think you should tell first, because with so much excitement, it's so difficult to be on the stage and be expected to speak something. But it's exciting. It's really, really satisfying, if I may use that word. बड़ी खुशी होती है, बड़ी मेहनत से काम करते हैं, जब appreciation मिलता है और अपने लोगों से मिलता है, it feels really, really, really good. आपने जब start किया था लिखना, आपको लगा था कि SWA की तरफ से आपको ये award मिलेगा या फिर ऐसे कोई expectation? एक तो ये show बहुत अच्छा experience रहा लिखने के लिए. It's a very sensitive topic. एक बेहद sensitive topic के ऊपर मैं बना हुआ है और सबके लिए struggle यही था कि इसको एक बहुत thin line है कि ये cheap ना लगे, ये सही कैसे दिखाएं. तो उसके ऊपर मैं करते 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 काम, I think we've been able to reach many many people. Even the way the show was received, it was really amazing that people were thanking us for making a show like this. तो feedback बहुत अच्छा रहा और उसकी खुशी बहुत लगी, बहुत बहुत, क्योंकि अपने रूम में बैठ के अपने लैपटॉप पे कहानी कह देना बहुत आसान होता है, पर वो कहानी और लोगों तक पहुंचे और वो भी उसी तरीके से समझ पाए, that's satisfying, that's what we work for, so it was really good. Thank you so much. I can speak for myself. I was confident this is just special and this will get recognized. This is a very, very special story. जब लिख रहे होते हैं तब तो ये बहुत दूर की बात होती है, पहले उससे पहले होता है कि पहले तो बने, और बनने का प्रोसेस एक ऐसा होता है कि उसमें बहुत सारी केमिस्ट्री होती है, वो सारी केमिस्ट्री, सारे फॉर्मूले एक साथ ठीक बैठे, सबका अच्छे काम हो, फिर स्क्रीन पे जब आप देखते हैं. हाँ, जब हमने इसको स्क्रीन पर देखा उसके बाद से भी फिर हमें ये कि हाँ बहुत अच्छा शो बना है, ये है, ये नहीं पता था कि इसके लिए कोई अवार्ड मिलेगा या क्या होगा, बट या एक अच्छा शो बनाया ये सोच के अपने आप में वो एक अवार्ड. और बहुत ही सराहनीय ये कदम है लेखकों के द्वारा, लेखकों के लिए इस तरह का जब ये एक इनिशिएटिव है, और इसमें और कोई मानदंड फिर होगा नहीं, क्योंकि कहीं पे ग्लैमर है या कोई, ये सिर्फ लेखकों के लिए है. तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही प्योर काइंड ऑफ अवार्ड है और हमें इसलिए और ज़्यादा खुशी है. बिल्कुल, मैं शारीन के पास से सहमत हूँ कि चौथा ऐसा अवार्ड है जिसमें लेखन के दम पर जिस तरह से पेपर पे पहले जिस तरह से लिख के आते हैं, बहुत शो बन के आता है, फिल्म बन के आता है, टीवी स्क्रिप्ट बन के आता है, वो उसके दम पर चुना जाता है और नॉमिनेशन के स्तर पर ही सबसे पहले तो वो जो पैमाना होता है वही अपने आप में बहुत खुला होता है. तो सिर्फ नॉमिनेट होना ही बहुत खास है. और दूसरा ये भी कि इससे मुझे लगता है कि नए लेखकों को जो अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको भी बहुत प्रोत्साहन मिलेगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग अपने आप में कम्युनिटी है जो एक दूसरे को सपोर्ट करती है, एक दूसरे की सराहना करती है, सेलिब्रेट करती है इस अवार्ड यूजर में. तो हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम यहाँ हैं एक लेखक के तौर पर और हमें इंडस्ट्री की सदस्यता. Congratulations. Thank you. बहुत साल न्यूज़ में रहे हैं हम दोनों, बट